हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी मैं खाटू श्याम बाबा की नगरी खाटू आया हुआ हूँ, जो सीकर ज़िले में राजस्थान में पड़ती है। और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिंगस मोड़ से पदयात्रा खाटू श्याम जी के लिए, जो कि 17 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ पर आप ध्वज वगैरह निशान लेकर खाटू श्याम जी के दरबार तक जा सकते हो। रिंगस से लेकर बाबा श्री श्याम जी के दरबार तक हमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं तो 3 घंटे तो लगेंगे, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और आपको मैं बताता रहूँगा, बाबा श्री श्याम का नाम लेते हुए चलते हुए, बस उनकी भक्ति में मगन, बस और कुछ नहीं। अगर किसी भक्त को खाटू श्याम जी दरबार में आना है, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से यहाँ रिंगस तक की सीधी ट्रेन आती है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी यात्रा। और रिंगस से अगर आपको पैदल चलना है तो चल सकते हो, नहीं तो यहाँ से फिर ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह और बस वगैरह भी जाती रहती है। 150 रुपये का कुछ ऐसा ही है भाड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप आ सकते हो और बाबा श्री श्याम के दर्शन कर सकते हो। और बोला जाता है कि यहाँ पर बाबा श्री श्याम के दर्शन से करने से अगर कोई सच्चे दिल से अपनी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। जय श्री श्याम। ये नील गाय दिखी भाई, यहाँ पर पैदल यात्रा करते करते खाटू श्याम जी से रिंगस के मोड़ पर। हरियाणा और राजस्थान में नील गाय आम है जैसे हमारे यहाँ पर, पर ये थोड़ी ख़तरनाक होती है। ये मतलब ख़तरनाक इन द सेंस, ये हमसे, जैसे हम इनसे डरते हैं ये हमसे डरती है, तो ये अपने बचाव में हमें चोट पहुँचा सकती है, तो इसलिए ख़तरनाक है। वैसे तो ये वेजिटेरियन ही होती है, बस ये थोड़ा, आपने देखे होंगे एक्सीडेंट वगैरह तो नील गाय के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, फुर्तीली गाय होती है बहुत ज़्यादा। ये बाबा खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। बाबा खाटू श्याम जी भीम के पुत्र थे, जो पांडव पुत्र है भीम, उनके पुत्र थे। तो महाभारत में इनके पास अपार शक्तियाँ थी। इनके पास 3 बाण थे, जो 3 बाण थे, इन 3 बाणों में पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर सकते थे, इतनी शक्ति थी। महाभारत में अगर कोई महान योद्धा था, और भी थे महान योद्धा, पर ये महान योद्धाओं में से थे। तो इनकी माता ने इनको ये वर बोला था कि बेटा जो भी हारा हो तो उसका सहारा बनेगा, हारे का सहारा, इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा बोला जाता है। जो कोई भी हारेगा, बाबा को उसके पक्ष से लड़ना पड़ता था। तो इसी चक्कर में श्री कृष्ण जी ने सोचा, तो ऐसे तो महाभारत कभी ख़त्म ही नहीं होगी, जब भीम, जब पांडव हारेंगे तो ये पांडव के पक्ष में होंगे, जब कौरव हारेंगे तो एक कौरवों के पक्ष में होंगे, ऐसे तो महाभारत ख़त्म नहीं होगी। तो श्री कृष्ण जी ने इनसे एक चीज़ मांगी थी। पहले इनको बोला कि मैं तुमसे एक चीज़ मांगूंगा, तुम दे दोगे? तो श्री कृष्ण ने बाबा श्याम ने बोला कि हाँ मैं दे दूंगा बाबा श्याम को। पहले बाबा श्याम का नाम पहले बरबरीक था, तो इनसे मांगा कि मेरे को तेरा शीश दान में चाहिए, श्री कृष्ण जी ने मांगा। तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना शीश दान में दे दिया। तब से श्री कृष्ण ने इनकी अपार शक्तियाँ और इनका भक्ति भाव देखकर इनको एक वरदान दिया कि तेरे को मेरे नाम से पूजा जाएगा। तो इसीलिए जब से बाबा खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण जी के नाम से या अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। रास्ते में अगर आपको भूख प्यास लगती है तो ऐसे बहुत रेस्टोरेंट रास्ते में, आप यहाँ पर रुककर जलपान ग्रहण कर सकते हैं। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम बाबा। लो जी, पहुँच गया 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा जी के द्वार पर, तोरण द्वार। छः बजे स्टार्ट की थी, 9:30 का टाइम हो चुका है। 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा जी के द्वार पहुंच गए हैं, तोरण द्वार।
चोरण द्वार से बाबा का मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम मार्केट में आ चुके हैं, बाबा की मार्केट में। आजकल के ये नए नए ब्लॉगर आ जाते हैं यहाँ खाटू शाम बनाने, पता नहीं क्या क्या करने आते हैं। मम्मा कुछ क्या हो गए आपको? बहुत बढ़िया है, नई शुरुआत है। आपको कुछ और काम नहीं है क्या? मेरा ये मैं तो छोड़ दो, यहाँ दर्शन करने आए हो आप? यही काम है मेरा, बस आपके व्यूज बढ़ जाए और आपको कुछ नहीं चाहिए। बस और क्या चाहिए फिर? बाबा का आशीर्वाद देने आए हुए हैं। आशीर्वाद लो ना, फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? लोगों को दिखाए ना बाबा के दर्शन। यहाँ पर ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट और धर्मशाला बनी हुई है, यहाँ पर आप रुक भी सकते हो और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। पहले से बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो चुकी है खाटू श्याम परिसर की, पहले इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। कुछ महीनों तक खाटू श्याम मंदिर बंद भी रहा था, इसी कारण यहाँ पर चौड़ीकरण किया गया है रोडों का और अच्छी रेलिंग की गई है। कि मम्मा बाबा को अंदर कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, अगर आपको सिर्फ बाबा को गुलाब का फूल और इत्र चढ़ता है, इसके अलावा बाबा को कोई प्रसाद नहीं चढ़ता। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दर्शन हो गए बाबा श्याम जी के, रात को भी दर्शन कर लिए थे और सुबह भी दर्शन कर लिए थे, तो उसके बाद अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। जय श्री श्याम। अब मैं आ गया हूँ घर पर और
बस आते ही मैंने एक ही काम किया घर पर आकर, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे बाबा श्याम जी के, और मैं वहाँ से खाटू श्याम से ध्वज लेके आया था जो मैंने आते ही लगाया है, ये रहा ध्वज। और मैं भी आप सभी भक्तों से जो भी बाबा श्याम के प्रेमी हों से यही बोलूँगा कि अपने अपने घर पर ध्वज लगाएं, बहुत अच्छा लगता है। जय श्री श्याम। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी, अगर पसंद आती है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।